हर वर्ष सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक इस दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। इसके साथ ही सुखी जीवन, पति की लंबी आयु हो, इस दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर व्रत का संकल्प लेती हैं और विधि विधान पूर्वक पूजा आराधना भी करती हैं। तो दूसरी तरफ कुंवारी लड़कियाँ भी अच्छा वर पाने की कामना के साथ इस व्रत को रखती हैं। इस दिन माता पार्वती और भगवान शंकर की विधि विधान पूर्वक पूजा आराधना की जाती है। इस दिन लोग कई तरह के उपाय भी करते हैं। अगर आपकी भी शादी में देरी हो रही है, किसी कारणवश आपकी शादी टूट रही है, तो हरियाली तीज के दिन कुछ खास उपाय करने से चट मंगनी पट ब्याह के योग भी बनेंगे। तो चलिए इस रिपोर्ट में जानते हैं। अयोध्या के ज्योतिष पंडित कल्किराम बताते हैं कि सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को प्रत्येक वर्ष हरियाली तीज का व्रत रखा जाता है। इस वर्ष हरियाली तीज का व्रत 7 अगस्त को रखा जाएगा। इस दिन कुछ खास उपाय करने से विवाह में हो रही देरी या विवाह में आ रही तो कोई समस्या जल्द दूर होती है। हरियाली तीज के दिन हरे रंग का वस्त्र धारण कर केले के पौधे को मंदिर में लगाना चाहिए। साथ ही माता पार्वती और भगवान शंकर के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाकर अपनी मनोकामना पूर्ति करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से विवाह में हो रही देरी दूर होगी।